और इस तरह के ही तो सीधा सीधा कहा जाएगा कि उनका मैंने कुछ संतुलन अब लगता है कि गड़बड़ा रहा है उनका, उन्हें अब जरूरत है मेडिटेशन की, और वो थोड़ा बाबा रामदेव की शरण में जाएं, क्योंकि कौन देश को तोड़ने का काम कर रहा है और कौन देश को जोड़ने का काम कर रहा है ये अब बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता जान रही है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहूंगा। इन लोगों के मुंह में जो भी आ रहा है ये बकरा निश्चित रूप से चर्चा अगर चाहे विपक्ष तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है चर्चा करने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ हंगामा चाहते हैं, हंगामा करते हैं और हंगामा करवाते हैं, उनका यही शगल है और इसी तरह की अब इनकी नीति यही है, हंगामा करना और करवाना और कोई भी सकारात्मक काम नहीं होने देना, राज्य हित में, देश हित में, राज्य की जनता के हित में, देश की जनता के हित में ये कोई भी काम नहीं होने देना चाहते। कोई छात्र ये नहीं कह रहे हैं, ये कहवाया जा रहा है, ये एजेंसियों के माध्यम से, जो एजेंसियों को कहें तो एजेंसियों के पीछे धन बल का ये खेल है, कोई छात्र नहीं कर रहे हैं, सभी छात्रों ने इस नियोजन नीति का स्वागत किया है और आप देखेंगे कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं के जब फॉर्म निकलेंगे तो छात्र बढ़ चढ़कर इसमें आएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे झारखंड राज्य के छात्र ही नियोजित होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।